हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट दिस वन। वेल, सो आज का डिस्कशन होने वाला है बेसिकली साइक्लोन का नामकरण कैसे होता है। पहले हमारे एक साइक्लोन आया जिसका नाम है ताऊते। ताऊते की बात करें तो बेसिकली हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, स्पेशली जब गुजरात के रीजन की बात करें तो यहाँ पर साइक्लोन ताऊते आया। नाउ अब साइक्लोन यास की बारी है। ये बेसिकली आपके वेस्ट बंगाल रीजन में या उड़ीसा के रीजन में आने वाला है। तो आइए इन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है साइक्लोन का नामकरण कैसे होता है, भारत किन किन साइक्लोन का नामकरण अब तक किया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वेल, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको कंप्लीट फुल क्लैरिटी मिल पाए। ये भी हम बात करेंगे साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है और दुनिया के अलग अलग जगहों में साइक्लोन्स का नाम क्या क्या होता है। वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग आल्सो। वेल, साइक्लोन्स का नामकरण पहले बात है क्यों किया आता है, इसलिए किया आता है जिससे कि आपको आसानी से वो नाम याद हो पाए। दिस इज सिंपल थिंग। अगली बात यदि हम देखें तो साइक्लोन की बात करते हैं, तो साइक्लोन जब भी किसी कंट्री में हिट करता है तो स्पेशली हम बात करें साइक्लोन ताऊते की बात करें तो साइक्लोन ताऊते जो है हमारा इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, स्पेशली हम गुजरात की बात करें या महाराष्ट्र रीजन की बात करें, वहां पर इसने हिट किया। लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज किया गुजरात को साइक्लोन ताऊते ने, बहुत ही ज्यादा डैमेज किया। वह देखिए, इसका नामकरण के ओरिजिन की बात करें, इसका नामकरण दिया गया है म्यांमार के द्वारा और इसका मतलब है गेको, और ये गेको का मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड। ऑलराइट, ये बर्मीज डायलेक्ट में है। तो देखा तो इसका नाम है गेको, मतलब इस साइक्लोन ताऊते का नाम है गेको, और एक प्रकार से काफ़ी वैसे कह सकते हैं कि लिजार्ड के नाम से रखा गया है। और राइट नाउ जो नया साइक्लोन रखा है साइक्लोन यास, इसकी बात करते हैं तो इस साइक्लोन का नाम जो है रखा गया है बेसिकली इट वॉज नेम्ड बाई अमन। अमन की बात करें इसके द्वारा रखा गया है, जो आने वाला है आपके उड़ीसा या वेस्ट बंगाल के कोस्ट में और जो यहाँ काफ़ी डैमेज होने की संभावना है। इसका मतलब है, यास का मतलब है कि गुड फ्रेग्रेंस, है ना, और इसका मतलब इसका सिमिलर मीनिंग है जास्मिन। जास्मिन से लिया गया है, चमेली से, है ना। दिस इज समथिंग अबाउट दैट यास एंड ताऊते। अब हम जानते हैं बेसिकली ये नामकरण बेसिकली कैसे किया आता है। देखिए, सन 2000 में कई सारी कंट्रीज ने मिलकर बेसिकली जिनका नाम है WMO, इसको बोलते हैं ESCAP, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम साइक्लोन का नामकरण करेंगे जिससे चीज़ों को डिमार्केट करने में आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि एक साइक्लोन का नाम अपने यहाँ पे ये रखा, दूसरी कंट्री उसी साइक्लोन का नाम अपनी कंट्री में दूसरी रखती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकार से उसी साइक्लोन के नाम अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम सब करे जाते हैं। तो यहाँ पर इन कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि हमारे रीजन में होता है तो हम में से कोई एक डिसाइड करेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्री, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, अमन, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे शामिल हुई। इसके बाद देखा है तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, ये हम फाइनलाइज करेंगे। बाद में हालांकि 5 कंट्रीज को और जोड़ दिया गया, जैसे ईरान है, कतर है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यमन है, इनको भी ऐड कर दिया गया। तो एज ऑफ नाउ देखा है तो इन्होंने 169 साइक्लोन का नाम जारी किया। कब? अप्रैल 2020 तक में इन्होंने इतने नाम जारी किए हैं। और इसमें बोला है कि हर एक कंट्री, 13 कंट्री हैं तो 13 सजेशंस हैं। अब ये कौन कौन सजेशंस हैं मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो दिस वन टू यू। ओके, इसके पहले जान लेते हैं साइक्लोन का नामकरण क्यों होता है। अभी मैं लिस्ट दिखाने वाला हूँ, जस्ट वन सेकंड। साइक्लोन का नामकरण क्यों किया था, सिंपल सी बात है, इससे लोगों को बेसिकली इसको रिमेंबर करने में आसानी होती है। लोगों को अवेयरनेस कैंपेनिंग यदि आपको क्रिएट करना है, लोगों को जागरूकता फैलानी है या वहाँ पे एरिया खाली करवानी है, तो उसके चलते आप को ये नामकरण यदि हो जाता है तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रकार से कंफ्यूजन को आप हटा सकते हैं। इंडिया के साइक्लोन कॉरिडोर की बात करें तो बेसिकली हमारा जो कोस्टल एरिया है, यहाँ गुजरात से स्टार्ट करें, फिर ये महाराष्ट्र का रीजन है, फिर यहाँ गोवा का भी रीजन है, फिर यहाँ कर्नाटका हो गया, केरला, तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इधर इसका उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, ये सारा रीजन देखा है। तो कह सकते हैं कि इंडिया का साइक्लोन कॉरिडोर ही आप कह सकते हैं, जिसमें ये जो डार्क ब्लू कलर में है ये हाईली प्रोन है, मतलब यहाँ डैमेजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पे हल्का लाइट है वहाँ पे थोड़ा इफेक्ट कम होता है। तो ये है इंडिया का लगभग 7,516 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है जो साइक्लोन से प्रोन है। जब भी कभी साइक्लोन आता है तो यहाँ पे डैमेज होता है। देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कौन सी गाइडलाइन फॉलो की जाती है जब भी साइक्लोन का नामकरण किया जाता है। देखिए, साइक्लोन का नामकरण तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कौन सी गाइडलाइन फॉलो किया जाता है। देखिए, गाइडलाइन ये है जो पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन ही डिसाइड करते हैं बेसिकली ये गाइडलाइन क्या है। पहली गाइडलाइन ये है कि साइक्लोन न्यूट्रल होना चाहिए। उसका नामकरण जो आप करें, मान लीजिए आपकी कंट्री को नामकरण करने का मौका मिला है, तो वो न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब वो किसी पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल फिगर से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी रिलीजियस बिलीव से कनेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी को मतलब एक प्रकार से आहत ना करें। तीसरा, कल्चर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए और जेंडर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो एक प्रकार से न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह से उसका एक प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात,
जो नाम सजेस्ट करते हैं आप साइक्लोन का, वो किसी भी ग्रुप का, किसी भी पॉपुलेशन के ग्रुप का, वहां पर किसी भी उसके सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ी बात ये साइक्लोन का नामकरण है, साइक्लोन डैमेज तो बहुत करता है, लेकिन साइक्लोन बहुत ज़्यादा र्यूड है, क्रूयल नेचर का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइक्लोन आपने साइक्लोन डैमेज बहुत कर रहा है तो उसका बहुत क्रूयल नेम आप कर दो, ऐसा नहीं है। साइक्लोन का जो नाम है स्मूथ होना चाहिए, है ना। एनीवे, इसके बाद देखा तो कुछ और कंडीशन है, साइक्लोन का नाम छोटा होना चाहिए जिससे वो आसानी से रिमेंबर किया सके। और सबसे बड़ी बात है साइक्लोन की जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है नेम की, वो 8 लेटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है, कई बार साइक्लोन का नाम लोग बड़े बड़े नाम कर देते हैं, तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 8 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा देखा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको वॉइस ओवर के साथ में शेयर करना पड़ेगा जिससे कि लोगों को प्रोनाउंसिएट करने में कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे लास्ट की बात करें तो यहाँ पे नेम जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, नॉर्थ इंडियन ओशन, रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि एक साइक्लोन का नाम आप दोबारा नहीं रख सकते हैं, और इसी चलते हमने ये प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन डेवलप की है। नाउ यदि हम साइक्लोन की बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है भारत ने कौन कौन से नाम सजेस्ट किया, तो देखा जाए तो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से 13 कंट्रीज ने 13 नाम सजेस्ट किए, तो हर एक कंट्री ने 13 नाम सजेस्ट किए, तो कुल मिला के 169 नेम हो गए। इंडिया ने भी 13 नाम सजेस्ट किए जिसमें से बहुत सारे नाम है, जैसे गति है, तेज है, मुरासु है, आग है, व्योम, झार है, झोर है, प्रो भाव है, नीर है, प्रभंजन है, घूर्णी है, अम्बुद है, जलंधि है ना, जलधि है और वेग है। तो ऐसे कुछ नाम रखे गए हैं जो इंडिया के द्वारा रखे गए हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है। कुल 169 नेम्स हैं जिसमें इंडिया ने 13 नाम रखे हैं, तो ये आप लोग याद रखें। जैसे निसर्ग का नाम देखा है तो ये बांग्लादेश ने रखा है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आप लोग याद रखेंगे। नाउ यदि हम नामों की बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश से बात करें, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर बांग्लादेश से निसर्ग, ये पूरा ऐसे चलेगा, वर्टिकल चलेगा। इंडिया का गति है, फिर निवार है, बुरेवी है, अभी बुरेवी आपको याद होगा पढ़ा था। म्यांमार ने ताउती रखा है, अमन का अगला साइक्लोन का नाम यास पड़ा है, पाकिस्तान, अब अगला जो साइक्लोन पड़ेगा जो होने वाला है उसका नाम होगा गुलाब, जो कि पाकिस्तान के नामकरण के द्वारा होगा। इस तरह से पूरे साइक्लोन के नाम है जो आने वाले कल में, जो भी कोई नया साइक्लोन आएगा उसका ये नामकरण इस तरह से किया जाएगा। तो ये हर एक कंट्री को यहाँ पे मौका मिल जाता है बेसिकली। और इसके बाद हाफ की बात करें, इसके बाद अगला जो नामकरण है यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उर्मी है, नीर है, फिर इंडिया का मौका फिर आएगा नीर, फिर पोयन, ये पूरा का पूरा नामकरण यहाँ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इंडिया जो लास्ट नामकरण रखा है अभी तक वेग, तो ये तो बहुत सारे 169 साइक्लोन्स के नाम हैं। मतलब आने वाले कल में जितने भी साइक्लोन आएंगे उनका नाम इसी सिक्वेंस में रखा जाएगा। मतलब यास के बाद अगला साइक्लोन का नामकरण पाकिस्तान का माना जाएगा जिसका नाम होगा गुलाब। ऑल राइट, गॉट द पॉइंट। वेल देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि चलो ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन की बात करें, एक रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन होता है, एक लो प्रेशर, बीच में क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। और यहाँ पे इसका देखिए, बीच में लो प्रेशर क्रिएट होगा तो एयर का फ्लो जो है बीच में होने लग जाएगा, और इसमें देखा जाए तो इसका जो सर्कुलेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इक्वेटर के ऊपर रीजन की बात करें, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, और यदि हम बात करें इक्वेटर के नीचे तो यहां पर क्लॉकवाइज होता है। ये बेसिकली साइक्लोन का फीचर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा आता है कि साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप याद रखेंगे इक्वेटर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, इक्वेटर के नीचे क्लॉकवाइज होता है। वेल, साइक्लोन के नामकरण की बात करें, साइक्लोन का नामकरण जो है ग्रीक वर्ड से पड़ा, इसका नाम है साइक्लो, साइक्लोस का मतलब है क्वाइल्स ऑफ स्नेक। देखा जाए तो हमारे जो स्पेशली बे ऑफ बंगाल के रीजन की बात करें या अरेबियन सी की बात करें, तो यहाँ पर कुछ साइक्लोन का फीचर भी ऐसा ही होता है, स्नेक का जो क्वाइल है उसकी जैसे होता है, और इसका नामकरण किया था हेनरी पेडिंगटन ने, तो ये भी थोड़ा सा हमें याद रखना है। अब देखिए साइक्लोन में आप देख सकते हैं बीच में एक साइक्लोन आई होती है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, बीच में लो प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है और फिर बाद में पूरा का पूरा फ्लो स्टार्ट हो जाता है और यही साइक्लोन फाइनली बन जाता है। वेल देखिए, अब यहाँ पे यदि हम देखें, एज ऑफ नो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में साइक्लोन के नाम कर अलग अलग है, जैसे टाइफून बोलते हैं बेसिकली आपके जापान के रीजन में, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं इंडिया के रीजन में, इंडिया के आसपास के रीजन में, जैसे यहाँ बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अलग अलग टाइम में है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन में भी ट्राइपिकल साइक्लोन बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखा है तो हरिकेन बोलते हैं, स्पेशली हम यदि बात करें नॉर्थ अमेरिका रीजन में तो यहाँ पे हरिकेन बोलते हैं, तो अलग अलग रीजन में इसके नाम अलग अलग है। तो सॉरी छोटी चीज आप लोग याद रखेंगे। तो ये रहा हमारा साइक्लोन के बारे में, आई एम श्योर कि आपको यहाँ बहुत कुछ बेनिफिट मिल हुआ होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूपीएससी के लिए नए बैच लॉन्च हो चुके हैं, यूपीएससी या किसी पीएससी के लिए बैच लॉन्च हो चुके हैं। यदि आप उन बैचेस की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8268263084। इसके अलावा हमारी 2 क्लासेस हर एक दिन लाइव होती हैं, शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप हमारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको टाइम टाइम पे।
वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ, डिस्कशन का इस माइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे कंटेंट को पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।